आप विनायक टॉप से। अब हम से मिलेंगे आपको हिमालय की गोद में। पहले जाते हैं खूबसूरत से गांव खाती में, फिर उसके बाद आगे हम पिंडारी, काफिनी, नामिक ग्लेशियर आदि 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 कई जगह का हम आपको दिखाने वाले हैं इसी तरह से। तो ये था बहुत खूबसूरत सा विनायक टॉप हमारा। हम दिखाते हैं हाई माउंटेन ब्लॉक आपको, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो गाइस ये है एकदम विनायक, जिसको लास्ट धार जो होता है ना उसको हम विनायक बोलते हैं, जो टॉप होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है आगे का हिमालय पर्वत का। आराम से दोस्त मेरे को वीडियो बनाने दे, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और हम जाएंगे इन्हें हिमालय की गोद में, और यहीं से हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना के ले आएंगे। अब यहाँ से नेटवर्क BSNL का किस्तों में मिलेगा गाइज हमको। तो फिलहाल जो आप नीचे से लेके आ रहे हैं वोडा आइडिया जियो एयरटेल, तो वो भूल जाइए कि वो यहाँ पे मिलेगा आप। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ BSNL ही मिलेगा, वो भी कहीं कहीं पे खाती तक ही मिलेगा, वो भी बहुत कम। तो दोस्तों ये है पूरा पिंडर वैली। वैसे तो पिंडर वैली पूरा खराली तक को ही पूरा पिंडर वैली कहते हैं, पर मेन जो पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है तो वो यहीं से है, पिंडारी ग्लेशियर से। तो सामने में है आपका नीचे उइंगा टीक, विद्याकोट, ये है सामने में सोराख, फिर वाछम, फिर लास्ट गांव और बहुत ही सुंदर गांव मिलेगा आपको खाती। उसके बाद आपको पूरी कैंपिंग मिलेगी, कैंप होंगे, उसके बाद आप जाओगे तो द्वाली फुर्किया पिंडारी जीरो, इस तरह से आगे को बढ़ोगे। तो अभी फ़िलहाल हम हैं धूर में ही। तो यहाँ से एक रोड कटती है लेफ्ट में, जो जाती है बजियाकोट वाली रोड, और ये सीधी रोड जाती है खाती को, जो पिंडारी ग्लेशियर का लास्ट गांव है खाती। तो ये रोड जाती है वहाँ, और जो यहाँ से लेफ्ट में कटती है वो जाती है बजियाकोट किलपारा के लिए। फ्रेंड्स ये पार में एकदम सामने में है मल्ला गांव, मल्ला गांव बोले तो वाछम है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं खरकिया में। खरकिया जैसे आप जानते हैं बहुत समय पहले तक ये टैक्सी स्टैंड हुआ करता था यहाँ लोकल का, तो अब तो गाड़ियाँ आगे निकल चुके हैं खाती, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ ही नहीं रहा। तो ये है खरकिया, और पार में है उमोला खाती की रोड, और गाड़ियाँ जो है सीधे आगे निकल गए हैं, तो इसके यहाँ पे मार्केट अब डाउन हो चुकी है, पहले सारे लोग यहीं पर आते थे। ये है खरकिया की मार्केट, ये थी दोस्तों अब नहीं रही। यहाँ पे भी एक टर्न है, तो यहाँ से लेफ्ट में है वाछम वाली रोड, और सीधी जो रोड जाती है वो जाती है आपकी खाती की तरफ। तो यहाँ से हम सीधी रोड पे जाएंगे खाती में, जो खाती में मिलेगी। और जो इधर को जा रही है ये वाली, ये है वाछम के लिए, नीचे वाछम तक जाएगी। ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो खाली वाछम मोटर मार्ग है। तो यहाँ पे बन रहा है पुल, और यहाँ पे निर्माणाधीन तो है, और बहुत ही खतरनाक रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी अटक जाती है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मंदिर है शांति धारा के नाम से, देखो आप क्या हो, बेकार हो रखा है, भयंकर काली मंदिर।
जालिम है। तो ये पैस तो हमने पार कर लिया है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक हो रहा था यहाँ पे। ये देखो, ये होती है रोड, हमारी इधर की रोड ये हुई है। कॉन्क्रीट तो यहाँ पे चल रहा है काम, रोड पे थोड़ा वो कर रहे हैं, तो शोज बहुत भयंकर हो रहा है। तो इसमें बहुत ही बेकार रोड हो रही है यहाँ पे। ये बेकार रोड हो रही है गाइस यहाँ पे, अति मात्र बचा है 3 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ पर रोड एकदम बेकार हो रही है, क्योंकि इस पे डामरीकरण हो रहा है। डामर तो क्या ऊपर से सीमेंट का कुछ हो बना रहे हैं, रोड को सही कर रहे हैं। तो बहुत ही बेकार हालत ख़राब हो गई, ऐसी रोड हो रखी है। पर अब 3 किलोमीटर बच गया है खाती, देखते हैं खाते तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम फिर देखते हैं। हम पहुंच गए हैं जैकुनी में। यहाँ पर इको टूरिज्म का, जो हिमालय में जाते हैं ग्लेशियर रेंज में, तो उसका पास आप यहाँ से बना सकते हैं। ये नीचे कपकोटे कहीं से बना के नहीं ले आना है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इको टूरिज्म पंजीकरण केंद्र है ये यहाँ पर। दौ और जैकुनी तोक वाचम में, खाती से है 2 किलोमीटर पीछे, जस्ट 2 किलोमीटर पीछे में पड़ेगा आपको दौ और जैकुनी। तो गाइस सामने में दिख रहा आपको खाती, सुंदर गांव खाती। आज हम रहेंगे वहीं पे खाती में। जब हम पहुंच चुके हैं खाती में, ये है खाती।
दोस्तों खाती का गांव खाती, और हम पहुंच चुके हैं अभी खाती में। पहले इधर नया क्या देखा मेरे चाहिए क्या। मैं पहुंच चुका हूं अब खाती में, और अब हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद जाते हैं सुंदरडुंगा नदी और पिंडक नदी के संगम में। तो ये पहुंच चुके घर में फाइनली, तो अब उसके बाद हम करते हैं थोड़ा चार्ज वार्ज फ़ोन को और GoPro को भी, फिर जाते हैं उसके बाद आगे। कोई हैगा नहीं क्या, तो ये देख सकते हैं ये करा है सरसों सुखा रखा है ये। तो गाइज अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, अभी तक तो मौसम साफ तो नहीं है, बादल लगे हैं थोड़ा बहुत, पर फिर भी मौसम साफ है क्योंकि धूप खिली हुई है देख सकते हैं। देखते हैं आज मौसम कैसा रहता है। और अभी हूँ मैं खाती में, खाती पिंडारे के लिए सिर का लास्ट गांव, तो देखते हैं आज कैसा मौसम रहता है। तो जैसे मौसम सही रहता है तो मैं अपडेट देता हूँ आप आगे आपको कि मौसम अब ठीक क्या है करके, पर लग नहीं रहा क्योंकि पीछे से आप देखो एकदम बहुत तेज बादल है, बहुत घने बादल हैं, तो इस वजह से लग नहीं रहा कि मौसम साफ रहने वाला है अभी फ़िलहाल।